प्रेरणा कथा। भूख तो भूख है, उसके जूते जगह जगह से फटे हुए थे और उसकी जुराबें तो सिलकर भी ठीक नहीं की जा सकती थी। उसकी फटी हुई जुराबें उसके जीर्ण शीर्ण जूतों में छुपी हुई थी। जगह जगह से सिली हुई स्कूल की यूनिफॉर्म पहने रानी अपने स्कूल की तरफ चली जा रही थी। स्कूल के रास्ते में वो सड़क के किनारे के एक ढाबे के सामने रुक गई। मक्खन लगी हुई रोटियां और दाल फ्राई को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन वो सिर्फ अपने होंठ को काट कर ही रह गई। हालांकि उसका भूखा पेट भयंकर विद्रोह कर रहा था। अपनी भूख को मारने के लिए उसने पहली कक्षा शुरू होने से पहले ही एक बोतल पानी पी लिया, ताकि पढ़ाई के दौरान उसको भूख फिर से परेशान न कर सके और वो कक्षा में पढ़ाई जा रही सब चीज़ें ध्यान से सीख सके। कक्षा में ज्यामिति की शिक्षा ने ब्लैक बोर्ड पर एक व्रत बनाया। वो उस गोले को छात्रों को दिखाते हुए बोली, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अब तुम लोग मुझे बताओ जो इस तरह ही गोल या गोलाकार होती हैं। रानी का ध्यान तो कहीं और ही था। वो ढाबे में लोगों को रोटियां और दाल फ्राई खाते देख रही थी और वही दृश्य उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने अंतिम बार रोटी 6 महीने पहले खाई थी। 6 महीनों से वो चावल ही खा रही थी या फिर वो बचा खाना जो उसके पिता घर लेकर आते थे शाम को। जो भी खाना उसके पिता लेकर आते थे, परिवार के सभी लोग बिना किसी शिकायत खा लेते थे। हालांकि कई बार खाना बासी होता था और बदबू भी आ रही होती थी, पर पेट तो भरना ही होता था। कुछ न कुछ खाने की चीज़ पाकर वो खुद को भाग्यशाली ही मानते थे। लेकिन उस दिन कक्षा में उसके मन में रोटी खाने की तीव्र इच्छा उठ रही थी। वो आशा कर रही थी दिन को लंच के समय उसकी कक्षा की कोई ना कोई लड़की उसको भी अपने खाने के डिब्बे में से एक टुकड़ा रोटी का दे देगी, लेकिन आज तक तो किसी ने भी उसको अपने डिब्बे में से कुछ खाने को नहीं दिया था। कक्षा के सभी छात्र तो उसकी गरीबी के कारण उसका मजाक उड़ाते थे और उसको एक शूद्र या अछूत की तरह ही मानते थे और उसको अपने से दूर दूर ही रखते थे। सभी छात्र शिक्षिका को गोलाकार चीज़ों के नाम बताने लगे, पहिया, संतरा, फुटबॉल, पूरा चंद्रमा, सूर्य इत्यादि। जब रानी की बारी आई तो उसने तुरंत ही रोटी कह दिया, क्योंकि उस समय उसके दिमाग में सबसे जरूरी गोलाकार चीज़ सिर्फ रोटी ही थी। कक्षा के अन्य सभी छात्र हंसने लगे। शिक्षिका जानती थी कि रानी बहुत ही गरीब परिवार की बेटी थी और इसके लिए रोटी ही दुनिया में सबसे बहुमूल्य चीज थी। उस दिन लंच के समय उस शिक्षिका ने अपने लंच के डिब्बे में से अपनी रोटियां और दाल रानी को खाने के लिए दे दिए। उस डिब्बे में से रोटी का आखिरी टुकड़ा खाते समय वो अपने आंसुओं को नहीं रोक सकी। वो अपनी शिक्षिका की तरफ आभार भरी नज़रों से देखने लगी। बस वहीं से उसके वास्तविक छात्र जीवन की शुरुआत हुई। उसके बाद वो शिक्षिका रानी को हर दिन ही लंच के समय खाना देने लगी। प्रतिदिन रानी को रोटी मिलने लगी। शाम को वो शिक्षिका अन्य सभी छात्रों को ट्यूशन पढ़ाती थी, पर वो रानी से उस एक्स्ट्रा पीरियड के पैसे नहीं लेती थी, जबकि अन्य सभी छात्र उस शिक्षिका को ट्यूशन की फीस देते थे। उसकी शिक्षिका रानी से सिर्फ पढ़ाई की ही बातें करती थी। शिक्षिका की रोटियां उसकी भूख को दूर रखने लगी और शिक्षिका के ट्यूशन से उसका ज्ञान भी बढ़ने लगा। बस रानी खूब मन लगाकर पढ़ने लगी और फिर उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसको हर वर्ष कक्षा में प्रथम रहने के कारण छात्रवृत्ति मिलने लगी। वो कुछ पैसे अपने घर में भी देने लगी।
इसी बीच उसकी आगे की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए एक उदार व्यक्ति सामने आ गया और उसकी मदद से वो झोपड़ी में रहने वाली रानी उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वो कई वर्षों के बाद खुद भी एक शिक्षिका बनकर उसी स्कूल में आ गई जहां वो खुद पढ़ी थी और जहां उसकी शिक्षिका उसको रोटियां खिलाती थी और मुफ्त में ट्यूशन भी पढ़ाती थी। रानी को बहुत निराशा हुई क्योंकि उसकी शिक्षिका रिटायर हो चुकी थी। एक दिन रानी अपनी उस शिक्षिका को धन्यवाद कहने के लिए उनके घर पहुंच गई। उस शिक्षिका के द्वारा दी गई रोटियों ने उसको सिखा दिया था कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और अगर किसी उच्च उद्देश्य के लिए मांग कर भी खाना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है। वो जब शिक्षिका के घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी शिक्षिका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो गरीबी में जीवन बिता रही थी क्योंकि नौकरी से रिटायर होने के बाद उनको जितने भी पैसे मिले थे वो उनके उपचार में ही खर्च हो गए थे। कुछ ही देर में रानी को ज्ञात हो गया कि उस शिक्षिका के घर में तो खाने के लिए भी अनाज नहीं था। उसने अपनी शिक्षिका के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, क्या आप मुझे पहचान रही हैं? शिक्षिका ने अपने पुराने से चश्मों को आंखों पर ठीक करके रानी के चेहरे को देखकर कहा, रोटी, क्या तुम मुझे रोटी दे सकती हो? मैंने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया है। रानी तो अपनी उस शिक्षिका से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैडम, आपकी रोटियां खाकर ही तो मैं बड़ी हुई हूँ और आपके ज्ञान से ही आज मैं भी शिक्षिका हो गई हूँ। चलिए उठिए, आप अपनी बेटी रानी के साथ रानी के घर में रहेंगी और आपकी बेटी आपको सुबह शाम गर्मा गर्म रोटियाँ पका पका कर खिलाएगी। जीवन पूरा एक चक्र घूम चुका था और रोटी से शुरू हुई कहानी फिर रोटी पर आकर एक नए सिरे से समाप्त होने के लिए फिर शुरू हो गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर हमारी ये छोटी छोटी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।